Hello guys, welcome back to the new vlog. In this vlog we are going to have a river rafting trip in Kullu. हमने एक रीसेंट ट्रिप किया था कुल्लू और मनाली के लिए, एंड वाइल रिटर्निंग बैक टू दिल्ली हम लोग कुल्लू में रुके. एंड बेसिकली ऑल द एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया एंड अदर सच एडवेंचर स्पोर्ट्स आर सूटेबल टू बी डन एट कुल्लू. सो वी ऑल्सो बुक्ड अ राफ्ट फॉर द रिवर राफ्टिंग एट कुल्लू, बिकॉज ये जो रिवर यहाँ बहती है इट इज़ बेसिकली व्यास रिवर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीस. इट इज़ कम्प्लीट ग्लेशियर वाटर जो कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस से मेल्ट होके थ्रू द वैली ऑफ कुल्लू मनाली एंड द हिमाचल प्रदेश ये फ्लो करती है. क्योंकि मनाली के पास इसका फ्लो उतना अच्छा नहीं है एंड दिस स्ट्रीम रिवर स्ट्रीम इज़ वेरी नैरो, बहुत छोटा है. सो रिवर राफ्टिंग में इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज वहाँ स्टोन्स बहुत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड और इन सब के कारण एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा है. कुल्लू में ये रिवर थोड़ी ब्रॉड हो जाती है एंड आप एज अ व्यूअर इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि पानी का फोर्स बहुत ही तेज़ है और दिस कोर्स ऑफ द रिवर इज़ ऑल्सो ब्रॉड. तो रिवर राफ्टिंग के मेजर जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. सेकेंडली जब आप रिवर राफ्ट बुक करने जाते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप हाईवे पे चलेंगे सो देयर आर मेनी काउंटर्स, आपको रास्ते में बहुत सारे पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग के काउंटर्स मिलेंगे. सो प्लीज़ आप किसी लोकलाइट्स को अपने साथ रखिए सो दैट दे कैन इंट्रोड्यूस यू टू द प्रोफेशनल वंस, बिकॉज यू ऑल नो हिमाचल प्रदेश इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टूरिज्म. तो हिमाचल टूरिज्म बोर्ड ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए हैं जहाँ पर ट्रेंड लोग विथ प्रॉपर लाइसेंस एंड एवरीथिंग दे परफॉर्म एंड लाइक गिव द फैसिलिटी फॉर ऑल दिस एडवेंचर एक्टिविटीज. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू चूज़ ऑल दैट. और अगर आप उनसे करते हैं तो बेसिकली आप इंजॉय भी करेंगे एंड अगेन इट इज़ वेरी सेफ, एक्सीडेंट के चांसेस कम है बिकॉज पानी है, गहरा है, फ्लो बहुत ज़्यादा है और पानी का टेम्परेचर एनी टाइम इट्स बिटवीन -10 to 15, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है. आप हाथ भी डालते हैं तो आपका हाथ जम जाता है. सो ये एक चीज़ है. आप थोड़ा वीडियो इन्जॉय कीजिए, आगे फिर मैं इस राफ्ट की डिटेल्स कितने किलोमीटर्स की है, कितने ग्रेड्स में होते हैं, कितने लेवल्स में होते हैं वो आपको शेयर करूँगी. सो दैट माइट बी अ हेल्पफुल ब्लॉग फॉर यू जब आप कभी विजिट करते हैं तो बुक कैसे करना है उसके लिए. मीनवाइल हमारे सामने बहुत सुंदर माउंटेन रेंजेस है एंड इट्स एक्सपीरियंस, कोई एडवेंचर नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ थोड़ा वीडियो इन्जॉय करते हैं एंड देन लेटर ऑन द डिटेल्स आई शेयर यू गाइस लेटर.
सो गाइज आप लोगों ने देखा ही होगा हम लोगों ने कितना एंजॉय किया. सो हियर यू कैन सी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ग्लेशियर वाटर है, फिर आप मैं जंप कैसे कर रही हूँ. सो क्या होता है ना, जहाँ जहाँ रिवर बहती है तो कहीं पर उसका कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो तेज होता है, तो वहाँ पर तो राफ्टिंग करते हैं. पर देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पानी शांत है, स्टिल वाटर है. बट हाँ उस इस जब जो हमारा राफ्ट कर रहे थे ही टोल्ड मी कि इसकी जो डेप्थ है इट्स मोर देन 50 feet. तो आपने देखा कि यहाँ पर सेफ है स्विम करना. सो पीपल हु नो हाउ टू स्विम सो ये अलाउ करते हैं आपको स्विम करने के लिए. माई फादर ऑल्सो न्यू, बट पानी इतना ठंडा था कि उन्होंने पहले तो बोला कि हाँ मैं जाऊँगा, बट ही डिड नॉट गो. सो मैं यहाँ जंप करी एंड आपने देखा होगा कि मैं थोड़ी दूर गई एंड आई हैव कॉल्ड देम बैक, क्योंकि लिटरली गाइस पानी इतना ठंडा था कि आई कुड नॉट स्विम. सो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप लोग आ जाओ, मैं वापस ही नहीं तैर सकती बिकॉज पानी उधर से बह के आ रहा है और हम अगेंस्ट द कोर्स ऑफ वाटर स्विम नहीं कर सकते. सो यहाँ पर मैंने अपनी स्विमिंग कम्प्लीट की एंड देन वो लोग आए. सो इनका एक टेक्निक होता है पुल अप करने का. सो आपकी लाइफ जैकेट बहुत ज़्यादा टाइट्स होनी चाहिए. तो व्हाट डू डू, आपको शोल्डर के पास से ऐसे पकड़ते हैं लोग एंड दे पुल यू अप. सो यहाँ पर क्या हुआ था, मेरे साथ एक बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि मेरा जो लाइफ जैकेट था वो उसने उतना टाइट नहीं बांधा था. सो वो पुल अप नहीं कर पा रहा था. सो हियर ही इज आस्किंग मी अबाउट द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. सो थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था, बट देन ऑल्सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था. सो अब लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, अभी थोड़े और अच्छे सीनिक व्यूज आने वाले हैं. अब मुझे यहाँ एक्सट्रीमली ठंड लगने लगी है. सो बहुत अच्छी वेव्स एंड टाइड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं. सो अब थोड़ा वीडियो तक बने रहिए, एट लास्ट मैं आपको इस राफ्ट बुकिंग से रिलेटेड एंड ऑल द थिंग्स एंड शेयर यू द डिटेल्स. सो स्टे ट्यून्ड. तो गाइस आप लोगों ने देखा हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत जब मम्मी को साइड किया तो शी वॉज वेरी स्केयर्ड, बट शी इन्जॉय कर रहा. आप सब देख ही सकते हैं वेव्स जो थे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी थे. बट आप लोग हम लोग मतलब एक ये मिथ है हम लोगों के बीच में कि रिवर राफ्टिंग इज़ वेरी डेंजरस. ऐसा नहीं है गाइस, जो प्रोफेशनल राफ्टर्स रहते हैं वो खुद से रो करते हैं बोट, बट यहाँ पर क्या है बहुत सेफ, आप इन्जॉय कर सकते हो. मतलब इट्स अ मेमोरेबल फैमिली ट्रिप टू मेक, एक
लाइफ टाइम मेमोरी होती है। सो अब जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने इतनी सुंदर जर्नी तय की, आई डोंट नो कैमरा इस वीडियो को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, मतलब द ब्यूटी एंड द सीनिक व्यू ऑफ द वैली, दोनों साइड पहाड़, सुंदर सी वादियाँ और बहती हुई नदी, इस वीडियो में वहाँ की ब्यूटी शायद ही जस्टिफाई हो पा रही है। सो मेरे एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार जाए और एक्सपीरियंस तो ज़रूर एक बार लें। ये कोई एडवेंचर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस टू लिव विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और लव्ड वंस। और गाइस, मनाली एक हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है, यू कैन गो विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली। आई डिड एंड आई एंजॉयड अ लॉट। मैं किसी और के साथ भी जाती तो भी मैं ऐसे ही इन्जॉय करती जैसे मैंने फैमिली के साथ किया। सो अब हम ऑलमोस्ट अपने ड्रॉप लोकेशन पहुंचने वाले हैं जो कि एक गार्डन है। सो राफ्टिंग बेसिकली तीन ग्रेड्स में डिवाइड होता है, ग्रेड ए, बी एंड सी। जो ए ग्रेड होता है वो 20 मिनट की होती है, बी इज़ 30 मिनट्स, सी इज़ 40 मिनट्स। तो हम लोगों ने ग्रेड सी की राफ्टिंग ली थी, इट्स अ राइड ऑफ 40 मिनट्स। सो बेसिकली वो एक पॉइंट होता है जहाँ से आप बुक करते हो, वहाँ से एक राफ्ट करते हैं एंड देन एक मीटिंग पॉइंट होता है। इस टोटल राफ्ट का कॉस्ट हमें 3000 रुपीज़ पड़ा था, 3000 फॉर थ्री, बिकॉज हम टूवर्ड्स दिसंबर फर्स्ट वीक में गए थे, 6th of December, तो एकदम एक्सट्रीम टूरिस्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमें ये चीप ही पड़ गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो वीडियो है वो हम तो अपने से नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। सो जो राफ्ट कर रहे हैं ओनली मेड इट फ्रॉम हिज GoPro, उसका जो कॉस्ट होता है इट इज़ फिक्स्ड फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 1500, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बार्गेनिंग स्किल्स। सो बेसिकली जहाँ से आप अपनी कार छोड़ते हो वहाँ से बोट में ले जाना, वापस आपकी कार पर छोड़ना इज इंक्लूडेड इन दिस 3000 पैकेज। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, वीडियो का आप अगर लेना चाहते हो देन यू कैन टेक, आई सजेस्ट कि आपको लेना चाहिए। एंड हियर हमारा एंड हो गया ट्रिप, एंड बाय टू ऑल, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।